रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं तिलपट्टी बनाने वाली हूँ और तिलपट्टी के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम सफ़ेद तिल और 175 ग्राम चीनी और बादाम के कुछ टुकड़े। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं, कढ़ाई गरम करेंगे और हम तिल को डाल देंगे। तिल को लगातार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा तिल फूल जाएगा और हम लगातार इसे तिल को चलाते रहेंगे। और ये तिल हो चुका है, अब हम चाशनी इसका तैयार कर ले रहे हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें चीनी डाल देंगे। चीनी थोड़ी देर बाद मेल्ट होने लगेगा, इसे भी लगातार हम चलाते रहेंगे और चीनी 3 से 4 मिनट के बाद ये इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल चीनी नहीं रहना चाहिए और जब बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल जाएगा तब इसमें हम तिल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं और इसमें बादाम के टुकड़े डाल सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपना मनपसंद हम डाल सकते हैं और इसे मिला लेंगे। इसे गरम गरम हम इसे बेलेंगे। तो बटर पेपर ले लिए हैं और इसमें हम घी लगा लिए हैं थोड़ा सा। हम बटर पेपर की जगह मोटी प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम गरम गरम ही डालेंगे तिल को और तुरंत तुरंत इसे हम बेलेंगे। अगर ये गरम नहीं रहेगा तो ये अच्छा से फैलेगा नहीं। इस तरह से हम बेल लेंगे, पतली पतली पट्टी तैयार कर लेंगे। प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पे हमें बेलने से ये आसानी हो जाता है, निकलने में इजी हो जाता है, आसानी से निकल जाता है और अच्छा से बेल जाएगा। इसमें हमें चाशनी का ध्यान रखना है, बिल्कुल ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है चीनी का, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो ये कड़वा लगेगा। ये देखिए तिल की पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम इसे रख देते हैं। ऐसे करके सारी तिल पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। अगर तिल ठंडा हो जा रहा है तो हम उसे दोबारा हल्का सा गर्म करके हम बेल सकते हैं, इस तरह से पट्टी बना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर ठंडा हो गया तो उसे हम तुरंत गर्म करेंगे और फिर से बेल लेंगे। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, इसका साउंड कितना अच्छा आ रहा है। तिलपट्टी बन करके तैयार हो गया है इस तरह से। अब बहुत ही अच्छा तिलपट्टी बना है। तो आज की ये तिलपट्टी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।